दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम के बैकअप कोड कैसे निकाल सकते हैं और आप अपने बैकअप कोड की हेल्प से अपने इंस्टाग्राम में कैसे लॉगिन हो सकते हैं, आप उन बैकअप कोड का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम के बैकअप कोड को कैसे ले सकते हैं। तो आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो बैकअप कोड निकालने के लिए आपको अपने प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल मेथड आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बैकअप कोड पर क्लिक कर देना है। इसके पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 5 बैकअप कोड यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे, जिनमें से हर कोड को आप एक ही बार यूज कर सकते हो। अगर आपने किसी कोड को यूज कर दिया तो आप उस कोड को दोबारा से यूज नहीं कर सकते। तो आप इन कोड का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो इसके बाद जब भी आप किसी मोबाइल में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल इन्हीं कोड की हेल्प से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बारी बारी से ये सभी रिकवरी कोड यूज कर लेते हो तो आपको यहाँ पे नए कोड जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे गेट न्यू कोड आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। तो आपके सामने यहाँ पे नए कोड यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब भी आप अपना इंस्टाग्राम में लॉगिन कर तो आपके वही कोड वर्क करेंगे जो यहाँ पे लास्ट बार यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये नहीं है कि जो आपके पहले वाले बैकअप कोड थे उनको आप यूज कर रहे हो और अपने इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, उससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो वही कोड आपके यहाँ पे वर्क करेंगे जो यहाँ पे लास्ट बार शो हो रहे होंगे और वो कोड यूज ना किया गया हो। हर कोड एक ही बार यूज होगा, उसके बाद वो कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप बैकअप कोड की हेल्प से अपना इंस्टाग्राम में कैसे लॉगिन हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाता होगा, जहाँ पे बताया जाता है कि आपके इस नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया। लेकिन प्रॉब्लम तो यहीं पर हो जाती है ना कि हमारे नंबर पर ओटीपी नहीं आता है, जिसकी वजह से हम अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बैकअप कोड होगा तो हम आसानी से अपने इंस्टाग्राम आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। आईडी में लॉगिन होने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे? जी हाँ, सबसे पहले आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ करेंगे। तो इंस्टाग्राम का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कैसे ऑफ कर सकते हैं, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया, आप उस वीडियो को देख के जान जाएंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे ऑफ करेंगे। तो चलिए अभी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बैकअप कोड को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ट्राई अनदर वे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज बैकअप कोड आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे बैकअप कोड एंटर करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था उनमें से आपको कोई भी कोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोड यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक बैकअप कोड यहाँ पे एंटर कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देना। लो जी, बैकअप कोड की सहायता से आपका हो गया इंस्टाग्राम लॉगिन। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।